राज्य स्तरीय विज्ञान नाटिका उत्सव 2024-25 का आयोजन जबलपुर स्थित राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान में किया जा रहा है। इस बार 9 जोन देवास, भोपाल, उज्जैन, शहडोल, खंडवा, छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर से कक्षा 8 से 10वीं तक के 72 विद्यार्थी 18 शिक्षिकाओं के साथ पहुंचे हैं। विज्ञान के संप्रेषण में नाटक का माध्यम अत्यंत प्रभावी माना जाता है, यह कहना है प्रभारी संचालक डॉक्टर राजेश पांडे का। उन्होंने कहा, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए और जन जन में विज्ञान का दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस नाटिकाओं का मंचन किया जा रहा है। विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2024-25 का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन प्रतिवर्ष राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में होता है, क्योंकि ये राज्य स्तरीय संस्था है। तो विगत मुझे लगता है कि 30 वर्षों से ये आयोजन हम लोग करते चले आ रहे हैं, और इस वर्ष 9 जोन हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं, देवास से, भोपाल से, उज्जैन से, शहडोल, खंडवा, छतरपुर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर। पूरे प्रदेश से 72 शिक्षक अपने 72 छात्र छात्राओं को 18 शिक्षक लेकर आए हैं, और विज्ञान नाटिका का मंचन आज राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर के थिएटर में हो रहा है। और ये विज्ञान संप्रेषण के लिए नाटक का माध्यम अत्यंत प्रभावी माना जाता है। शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए और जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञान का दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन नाटिकाओं का मंचन किया जा रहा है। यहाँ से सिलेक्ट होने वाले, एक नाटिका सिलेक्ट होगी 9 जोन में से, उनके लिए निर्णायक मंडल भी हमारे यहाँ पर, उन विधाओं के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो आज संस्थान में उपस्थित हैं। इस वर्ष नाटिका का मुख्य कथानक है मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसके अंतर्गत 5 उप कथानक रखे गए हैं, वैश्विक जल संकट, AI और समाज, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु आधुनिक तकनीकें, जलवायु परिवर्तन एवं इसका प्रभाव। इन उपकथानकों पर आधारित आज 9 नाटिकाओं का मंचन राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के थिएटर हॉल में आयोजित